हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस चैनल में, जिसका नाम है वॉयला, वॉइस ऑफ इलाहानंद आचार्य. चल रहा है 30 डेज का सितंबर महीने में ये चैलेंज फ्रॉम द वेरी फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी. और चैप्टर नंबर 3 में से आज मैं आपके साथ अफर्म करने वाली हूँ लास्ट पॉइंट, जो चैप्टर नंबर 3 इस बुक के चैप्टर नंबर 3 के मेरे पास जो वर्जन है उसमें लास्ट पॉइंट है, पॉइंट्स टू रिमेंबर में या आइडियाज़ टू रिमेंबर में. सो इट इज़ इमेजिन द हैप्पी एंडिंग और सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, फील द थ्रिल ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड व्हेन यू इमेजिन एंड फील इट विल बी एक्सेप्टेड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड विच विल ब्रिंग इट टू पास. यानी यहाँ ऐसा कहा गया है कि आपको जो भी आपका अभी फ़िलहाल जो आपका इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का अच्छा सा एक सॉल्यूशन इमेजिन कीजिए. फॉर एग्जांपल, पैसे के इशू है, हेल्थ के इशू है, रिलेशनशिप के इशू है, तो आप इमेजिन करिए कि आपका वो प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो गया है. दैट इज़, इफ़ इट इज़ अ मनी प्रॉब्लम, यू हैव अ गुड जॉब. इफ़ इट इज़ अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम, यू हैव अ गुड पार्टनर. इफ़ इट इज़ अ हेल्थ इशू, आप बहुत बड़े हेल्दी हो. मतलब अच्छा अच्छा आपका हेल्थ है ऐसा इमेजिन करो और इसको इतने अच्छे से फील करो. इमेजिनेशन, विजुलाइजेशन में ऐसा फील करो जैसे प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं और यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. इमेजिन करो कि आप चल सकते हो, दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, आपको जो खाना खाना है वो खा सकते हो, फिर भी आप हेल्दी रहते हो. इमेजिन करो आपके लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, मम्मी पापा सब एक अच्छे से फैमिली में साथ में रह रहे. तो सारा ये जो इमेजिन करो तो उसमें वो फीलिंग तुरंत अभी प्रेजेंट टेंस में करो. और उसके बाद जब आप ऐसा बार बार हर रोज़ 10-15 मिनट के लिए करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता, इट इज़ लाइक नॉन जजमेंटल, उसको नहीं पता कि ये सच है या इमेजिन कर रहे हैं या विजुलाइज कर रहे हैं, तो वो उसको सच मानने लगता है. एंड द सबकॉन्शियस माइंड विल ब्रिंग सच सर्कमस्टेंसेस और इतने सारे आपके पास वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ लाएगा या डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से आपको मिलाएगा जो आपकी ये सारे ड्रीम पूरे करने में आपको मदद करेगा. सो बस इसी चीज़ को अफर्म करना है और इमेजिनेशन और विजुलाइजेशन